माइक्रो एंटरप्राइज लोन आवेदन के लिए उद्यमियों से डेटा लेना। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे उद्यम लोन आवेदन के लिए डेटा एकत्र करने में वित्त सखियों की भूमिका और डेटा एकत्र करने के लिए प्रश्नावली। उद्यम लोन आवेदन को तैयार करने के लिए उद्यमियों से डेटा लेना वित्त सखियों की एक मुख्य जिम्मेदारी है। डेटा लेने के लिए प्रश्नावली 2 फॉर्म विकसित किया गया है। वित्त सखियों को उद्यमी के घर और उद्यम पर जाकर इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए वित्त सखी को उद्यमी के अलावा उसके एसएचजी, पड़ोसियों और सप्लायरों से भी बात करनी होगी। इस डेटा के आधार पर मेंटर्स बैंक के उद्यम लोन आवेदन को भरेंगे। फॉर्म में सेक्शन ए से सेक्शन जी तक कुल 7 सेक्शन है। सेक्शन ए। सेक्शन ए उद्यमी के व्यक्तिगत विवरण को रिकॉर्ड करता है। पहले प्रश्न में वित्त सखी की उद्यमी के साथ मीटिंग की तिथियां भरनी होंगी। सारा डेटा लेने के लिए वित्त सखी को उद्यमी के साथ एक से अधिक बैठकें करनी पड़ सकती है। उद्यमी के व्यक्तिगत विवरण जैसे कि नाम, पता आदि उद्यमी के केवाईसी दस्तावेज से भरा जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि फॉर्म में भरा जाने वाला डेटा और केवाईसी डॉक्यूमेंट के बीच कोई अंतर न हो। A2 में उद्यमी का व्यक्तिगत MIS कोड भरना है, जो कि NRLM SHG का सदस्य कोड है। A3 और A4 में उद्यमी का पता और फोन नंबर भरें। A5 में सह आवेदक का नाम भरें, जिसे को बोरोवर भी कहा जाता है। A6 में उद्यमी के साथ सह आवेदक का संबंध भरें। उपयुक्त विकल्प पर टिक करें। आमतौर पर ये उद्यमी के पति होंगे। A7 में ID के आधार पर जन्म तिथि भरें। A8 में यदि सामाजिक श्रेणी SC, ST या OBC है तो ये सुनिश्चित करें कि उद्यमी के पास इसके सर्टिफिकेट हैं। A9 और A10 में धर्म और शिक्षा के स्तर को टिक करें। A11 में व्यक्तिगत ID दस्तावेज का नंबर भरें। ज्यादातर ये आवेदक का आधार नंबर होगा। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सेक्शन में सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता आदि उद्यमी के KYC दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए। सेक्शन बी। अगला सेक्शन बी उद्यम विवरण एकत्र करने के लिए है। B1 में उद्यम पंजीकरण जैसे किसी भी औपचारिक पंजीकरण दस्तावेज के अनुसार उद्यम का नाम भरें। यदि कोई पंजीकरण नहीं है तो उद्यमी द्वारा अपने उद्यम को दिए गए किसी भी नाम को दर्ज किया जा सकता है। B2 में उद्यम के कानूनी रूप पर टिक करें। ज्यादातर मामलों में ये सोल प्रोप्राइटरशिप उद्यम होगा। B3 से B6 में पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी और उद्यम स्थल के बारे में जानकारी भरनी है। यदि उद्यम की जगह किराए पर है तो उद्यमी के पास रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। B7 में उद्यम के उपलब्ध किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस का विवरण जांचे और दर्ज करें। यदि पंजीकरण उपलब्ध है तो वित्त सखी को फॉर्म में पंजीकरण या लाइसेंस नंबर भरना है और पंजीकरण की फोटोकॉपी भी एकत्र करनी है ताकि उन्हें आवेदन के साथ जमा किया जा सके। इस सेक्शन में जो भी जानकारी उपलब्ध नहीं है जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन या GST रजिस्ट्रेशन, उसके लिए वित्त सखी फॉर्म में उपलब्ध नहीं भर सकती है। B8 में उद्यम शुरू करने की तारीख या तो उपलब्ध रजिस्ट्रेशन से भरे या जो उद्यमी बताए वो भरे। B9 में उद्यम के क्षेत्र को भरे और B10 में एक या दो पंक्ति में उद्यम के प्रकार को समझाए। यहाँ दुकान जैसे जनरल शब्द न लिखे। पढ़ने वाले को इस बॉक्स को पढ़कर उद्यम की प्रकृति का अंदाजा होना चाहिए। जैसे उसका बाजार में एक ढाबा है, वो थाली और अन्य खाद्य पदार्थ बेचती है। B11 में यदि लोन के लिए प्रस्तावित गतिविधि मौजूदा उद्यम से अलग है तो प्रस्तावित उद्यम को समझाने के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखे। यदि प्रस्तावित लोन मौजूद उद्यम के लिए है तो बस ऊपर के समान लिखे। B12 में प्रस्तावित उद्यम में उद्यमी का अनुभव वर्षों में लिखे। B13 भरते समय ये सुनिश्चित करें कि क्या उद्यम के रिकॉर्ड्स उपलब्ध है या नहीं।
B14 में कार्यशील पूंजी चक्र को दिनों में भरे। बाद में फॉर्म को जांचते वक्त यहाँ मेंटोर को ये चेक करना चाहिए कि क्या वित्त सखी ने ये सही से भरा है या नहीं। B15 में कौशल प्रमाणित पर केवल तभी टिक करे जब उद्यमी के पास अपने उद्यम से संबंधित कौशल में कुछ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो। यदि उसके पास अनुभव है लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आत्म कुशल पर टिक करे, अन्यथा अकुशल पर टिक करे। B16 में टिक करे कि क्या उद्यमी उद्यम के अंशकालिक या पूर्णकालिक शामिल है। यदि उद्यमी उद्यम को प्रतिदिन 6 घंटे या उससे अधिक देता है तो पूर्णकालिक पर टिक करे, अन्यथा ये अंशकालिक होगा। B17 में बिना वेतन के कार्य करने वाले परिवार के सदस्यों और वेतनभोगी कर्मचारियों सहित अंशकालिक और पूर्णकालिक श्रमिकों की संख्या भरे। उद्यम में 6 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को पूर्णकालिक कार्यकर्ता माना जा सकता है। B18 में उद्यमी के खरीदारों के प्रकार को भरे। सेक्शन सी। इसके बाद सेक्शन सी में लोन की आवश्यकता की जानकारी भरनी है। C1 में टिक करे कि भरे कि लोन कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए या पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कार्यशील पूंजी के लिए लोन की आवश्यकता होने पर ही C2 भरे। यहाँ टिक करे कि कार्यशील पूंजी के लिए किस प्रकार की लोन सुविधा चाहिए, जैसे OD, CC के लिए या छोटी अवधि का टर्म लोन। C3 में जितना लोन चाहिए वो उस लोन प्रोडक्ट के नीचे लिखे, जैसे OD, CC या टर्म लोन। अगर लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए तो यहाँ राशि भरे। टर्म लोन के केस में C4 में लोन की अवधि महीने में भरे। C5 में लोन के उद्देश्य को टिक करे और C6 में 2 से 3 लाइनों में लोन के उद्देश्य को समझाए। C7 में उद्यमी द्वारा बताई गई वो EMI राशि भरे जो वो आराम से दे सकती है। C8 केवल तभी भरा जाना है जब पूंजीगत व्यय के लिए लोन की आवश्यकता हो। यहाँ कुल परियोजना लागत भरे। उदाहरण के लिए यदि किसी मशीन के लिए लोन की आवश्यकता होती है तो यहाँ मशीन की कुल लागत, परिवहन लागत और स्थापना लागत भरे। C9 में कुल परियोजना लागत का प्रतिशत भरे जो उद्यमी मार्जिन मनी के रूप में भुगतान कर सकती है। C10 में मार्जिन मनी का सोर्स भरे। C11 को केवल तभी भरना है जब मशीन के लिए लोन लिया जा रहा हो। यहाँ मशीन की डिटेल भरनी है। सेक्शन डी। अगला सेक्शन डी है। ये सेक्शन उद्यमी के उद्यम के वित्तीय विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए है। D1 में 1 साल में उच्च बिक्री, औसतन बिक्री और कम बिक्री वाले समय में कितनी मासिक बिक्री और खरीद की जाती है ये भरना है। यहाँ आखिरी कॉलम के अवधि का जोड़ 12 होना चाहिए। अगर किसी उद्यम की बिक्री के स्तर में साल के दौरान बदलाव नहीं आता है तो मासिक बिक्री और खर्च एक रो में भर सकते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। D2 में इस वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष उद्यम की अनुमानित बिक्री की स्थिति पर टिक करे। अगर पिछले साल बिक्री इस साल की तुलना में लगभग 7 से 8% कम थी तो हम यहाँ टिक कर सकते हैं। D3 में आने वाले वर्षों में अपेक्षित बिक्री की वृद्धि पर टिक करें। D4 और D4A में उद्यम की अन्य आय और अन्य उद्यम आय में अपेक्षित वृद्धि दर्ज करें। ध्यान रखें कि ज्यादातर बिक्री के अलावा उद्यम की अन्य आय बहुत कम ही होती है। D5 में वित्त सखी को उद्यम द्वारा बेची और खरीदी गई कुछ प्रमुख वस्तुओं से संबंधित डेटा भरना है। यहाँ सेल के संदर्भ में सबसे ज्यादा बिकने वाली 2 से 3 चीजों को पहचाने और पहले कॉलम में उन्हें भरे। दूसरे कॉलम में उन्हें नापने की यूनिट भरे, जैसे किलो, क्विंटल, प्लेटों की संख्या आदि। इस कॉलम में मात्रा न भरे बल्कि यूनिट भरे। अगले कॉलम में मासिक बिक्री की मात्रा भरे और आखिरी कॉलम में प्रत्येक यूनिट का बिक्री मूल्य भरना है। दिए गए उदाहरण में प्रति माह 2500 थालियां ₹70 प्रति थाली के हिसाब से बेची जाती है। इसी तरह खरीद का भी डेटा भरे।
सबसे पहले 3 से 4 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान करें जिन्हें उद्यम को खरीदना पड़ता है। उनको नापने की यूनिट भरें, फिर 1 महीने में खरीदी गई संख्या और फिर प्रत्येक यूनिट का लागत मूल्य भरें। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ उद्यमों के लिए सबसे ज्यादा बेची गई और खरीदी गई वस्तुएं 1 हो सकती है, जैसे कि किराना स्टोर में चावल, आटा आदि। लेकिन कुछ उद्यमों में ये बिल्कुल अलग हो सकती है, जैसे कि ढाबे में। D6 में उद्यम के निश्चित मासिक खर्चों को भरें। D6A में आने वाले वर्षों में इन निश्चित लागतों में अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि भरें। आमतौर पर हम इसे प्रतिवर्ष 5 से 7% तक भर सकते हैं। D7 में उद्यम के एसेट्स का अनुमानित वर्तमान मूल्य भरें। वित्त सखी को ये देखना चाहिए कि यहाँ दर्ज की जा रही संपत्ति वास्तव में मौजूद है। यहाँ केवल उद्यम से संबंधित एसेट्स ही भरने चाहिए, न कि उद्यमी की निजी संपत्ति। अगर उद्यमी अगले 1 वर्ष में अपने स्वयं के पैसों से उद्यम के लिए कोई एसेट लेने का विचार कर रहा है, तो D8 में उस एसेट का मूल्य भरे। D9 से D12 में औसत नकदी और स्टॉक का मूल्य भरे जो वर्तमान में उद्यम में है। यहाँ केवल वही नकदी लिखनी चाहिए जो उद्यम के लिए उपलब्ध है, न कि उद्यमी की व्यक्तिगत बचत। D13 में भरे कि वर्तमान स्तर की तुलना में 1 साल पहले उद्यम के स्टॉक का स्तर कितना कम या अधिक था। इसी तरह D14 से D16 में एडवांस और लेनदारों की औसतन राशि भरे। सेक्शन ई फॉर्म में अगला सेक्शन ई है। ये सेक्शन उद्यमी की बैंकिंग संबंधों पर डेटा इकट्ठा करने के लिए है। E1 में उद्यमी के बैंक के खातों का विवरण भरना है। पहले बॉक्स में उद्यमी के निजी सेविंग अकाउंट का डिटेल भरें। अगर कोई सेविंग अकाउंट उद्यम के लिए इस्तेमाल होता है तो उसका विवरण दूसरे बॉक्स में भरें। अगर उद्यम के लिए कोई करंट अकाउंट है तो उसका विवरण तीसरे बॉक्स में भरें। E2 में उद्यमी के सभी औपचारिक स्रोतों से चल रहे सभी टर्म लोन का विवरण भरें। इसमें SHG के लोन का विवरण भी शामिल है। E3 में उपरोक्त लोनों से सिर्फ उद्यम के लिए इस्तेमाल लोन की बकाया मूल राशि भरें। E4 में पिछले वर्ष उद्यम लोन की अनुमानित बकाया मूल राशि को भरें। E5 में अगर उद्यमी का कहीं से CC लोन चल रहा है तो उसका विवरण भरें। E6 में पिछले वर्ष CC पर अनुमानित बकाया राशि भरें। E7 में उद्यमी के SHG का विवरण भरें। यहाँ SHG का नाम, SHG का MIS कोड, SHG का बैंक खाता और SHG के साथ सदस्य के संबंधों का विवरण भरें। SHG लोन, बचत और अन्य विवरण भरते समय वित्त सखी को उद्यमी की SHG पासबुक और SHG रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। यहाँ उद्यमी द्वारा SHG से ली गई अब तक की सबसे अधिक लोन राशि भी भरी जानी चाहिए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सबसे अधिक लोन राशि उद्यमी द्वारा लिए गए अंतिम लोन में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। ओवरड्यू संबंधित विवरणों को SHG रिकॉर्ड के साथ चेक करना चाहिए और इस बारे में SHG अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष से भी वेरीफाई करना चाहिए। सेक्शन F। अगला सेक्शन सेक्शन F है जो उद्यमी के घरेलू नकदी प्रवाह को रिकॉर्ड करने के लिए है। F1 में परिवार के सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के कमाने वाले सदस्यों की संख्या भरें। F2 में उद्यम के अलावा अन्य सभी आय स्रोतों को भरें और उन स्रोतों से औसत मासिक आय भरें। यहाँ उद्यम से आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही दर्ज किया जा चुका है। यदि किसी स्रोत से आय नियमित नहीं है, उदाहरण के लिए कृषि से आय आदि, तो उस स्रोत से वार्षिक आय जोड़े और 12 से विभाजित करके औसत मासिक आय डाले। इसी तरह F3 में विभिन्न मासिक घरेलू खर्च भरे। यहाँ भी यदि कुछ खर्च नियमित नहीं है तो उन्हें 1 वर्ष के लिए जोड़े, 12 से विभाजित करें और औसत मासिक आंकड़ा डाले। सेक्शन G। फॉर्म का अंतिम सेक्शन सेक्शन G है जो मुख्य रूप से दस्तावेजों और संदर्भों को सत्यापित करने के लिए है। G1 में उन KYC दस्तावेजों का विवरण भरें जिनकी फोटोकॉपी एकत्र की गई है।
G2 में पते का विवरण और घरेलू स्थिति भरे और जांचे कि वर्तमान स्थान KYC से मेल खाता है या नहीं। G3 में वित्त सखी को उद्यमी के एक या दो पड़ोसियों से भी बात करनी है और उद्यमी के बारे में उनकी राय लेनी है। वित्त सखी पड़ोसियों से जांच कर सकती है कि क्या उद्यमी एक जिम्मेदार महिला है और क्या वो खुद उद्यम में शामिल है। G4 में वित्त सखी उद्यमी के एक या दो सप्लायरों से बात कर सकती है और इस सेक्शन को भर सकती है। वित्त सखी को सप्लायरों से मिलने की आवश्यकता नहीं है, वो उनसे फोन पर बात कर सकती है। तो यहाँ हमने उद्यम लोन के लिए जानकारी लेने के लिए प्रश्नावली 2 को समझा। इसके अलावा 2 लाख से अधिक के लोन के लिए बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए जो यहाँ दिखाई गई है। ये फॉर्म केवल 2 लाख रुपए से अधिक के लोन के लिए भरना होगा। 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए इस अतिरिक्त फॉर्म की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन में वे प्रवेश है जो बैंकर अपने लोन मूल्यांकन में उद्यमी से भी पूछ सकते हैं। बड़े लोनों के लिए उद्यमी को इन प्रश्नों पर स्पष्टता होनी चाहिए और उनका उत्तर देने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। वित्त सखी और मेंटर को इन सवालों के बारे में चर्चा करने के लिए उद्यमी से मिलना चाहिए और न केवल इस सेक्शन को भरना चाहिए बल्कि इन पहलुओं पर उद्यमी को तैयार भी करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा उद्यमियों से डेटा एकत्र करने में वित्त सखी की भूमिका और प्रश्नावली 2 का उपयोग करके डेटा कैसे एकत्र किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।